गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं इफ यू कैन सी मी। If you can hear me, please type yes in the comment box. अगर आप मुझे सुन सकते हैं प्लीज हाई टाइप कर दीजिए या यस टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्लीज टाइप यस और हाई इन द कमेंट बॉक्स। हेलो स्टूडेंट, प्लीज टाइप यस। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज स्टूडेंट टाइप यस। प्लीज टाइप यस और हाय इफ यू कैन हियर मी। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन नाउ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस बारे में है? वो है टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में। ठीक है, तो वेलकम एवरीवन। निरंजन, प्रशांत, महेश, नेशन फर्स्ट, सुजीत, आकांक्षा, वेलकम एवरीवन। सो आज का जो सेशन है वो किस बारे में है? वो है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में। तो ट्रेड यूनियंस के बारे में आपके ईपीएफओ 2017 एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें से आई गेस 2017 एग्जामिनेशन में ट्रेड यूनियन चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रेड यूनियन से। तो ट्रेड यूनियन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड यूनियन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक हमारी जो फैकल्टी है हम सब घर से काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू या साउंड इशू लगे तो प्लीज़ बेयर इट विद अस। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ऑनलाइन। ठीक है, तो ये हमारे ये कूपन कोड है Early15। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको EPFO 2020 कोर्स में 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वो ये कोड को यूज़ कर सकते हैं। कोड है Early15। ओके, तो हमारे कोर्स के कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं। आपको 100 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, रिविजन क्लासेज मिलेगी, आपको कॉम्प्रीहेंसिवली करंट अफेयर्स की कवरेज मिलेगी, इंडस्ट्रियल लॉ के लेक्चर मिलेंगे जो मैं लूँगा, लेबर लॉ के लेक्चर्स मिलेंगे, जनरल अकाउंटिंग के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हैंडआउट्स मिलेंगे हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के। आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों जब मैं आपसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप प्लीज़ उस वक्त कमेंट मत कीजिएगा। हर स्लाइड के बाद मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा और मैं आपसे पूछूंगा कि कोई डाउट है या नहीं। अगर आपको उस स्लाइड में कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या है। अकॉर्डिंग टू आईएलओ का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो आईएलओ ने ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया है कि ट्रेड यूनियन क्या होती है। वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ वन एंटरप्राइज। तो नॉर्मली जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो एंटरप्राइज लेवल पर नहीं होती, वो इंडस्ट्री लेवल पर या फिर स्टेट या नेशनल लेवल पर होती है। एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्टिंग और इम्प्रूविंग थ्रू कलेक्टिव एक्शन
द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वर्कर्स के एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, राइट्स को प्रमोट करना, उनका सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करवाना थ्रू कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या कि सभी मिलकर, समूह सभी मिलकर जब कोई काम करेंगे उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव एक्शन। तो अगर कोई एक सिंगल एम्प्लॉय अपनी बात मनवाने के लिए मैनेजमेंट के पास जाए तो मैनेजमेंट इतनी इंप्रेसिवली उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन अगर वही ग्रुप जाए और ग्रुप कहे कि हमें ये बात आपसे, हमने डिमांड है, हमारी ये नीड्स हैं, तो फिर भी मैनेजमेंट जो होगी वो उस ग्रुप की बात सुनेगी, क्योंकि ग्रुप जो बात करेगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आज से 100 साल पहले करीब इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जब इंडिया में इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी थी बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, तो जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ये उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट है। क्या हुआ था कि पहले क्या होता था, जो वर्कर्स है वर्कर्स को बहुत ऑप्रेस किया जाता था, उनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी, अच्छी वेजेस नहीं दी जाती थी। तो वर्कर्स को क्या करना पड़ता था, वर्कर्स को जो कम सैलरी मिलती थी उसमें ही सर्वाइव करना पड़ता था। अब इस कम सैलरी की वजह से वर्कर्स का क्या नुकसान होता था, वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही बेकार था। उन्हें लगता था कि हमें अपना जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में सही प्रकार की इनकम नहीं हो रही, तो इन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्रेशन फील होता था। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को पहले कहा जाता था वर्कर्स एसोसिएशन, और बाद में जब उन्हें रजिस्टर करवाया गया, उनके लिए ट्रेड यूनियंस एक्ट पास करवाया गया 1926 में, तब ये टर्म निकल कर आई ट्रेड यूनियन। ओके, तो ये जो एसोसिएशन थी वर्कर की, इनको ऑर्गेनाइज करवाया गया और ट्रेड यूनियन का जन्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ताकि आप बेसिकली समझ पाए कि ट्रेड यूनियन होता क्या है। ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो वॉलेंट्री नेचर होते हैं, मतलब अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उस कंपनी की कोई ट्रेड यूनियन है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेफर किया जाता है, पीयर प्रेशर होता है, कलीग्स का प्रेशर होता है, कंपनी भी कहती है कि आप ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कीजिए, लेकिन वर्कर की अपनी मर्जी है, कंप्लीटली उसका वॉलेंट्री डिसीजन है कि उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना। एसोसिएशन इज कंटिन्यूस इन नेचर, तो ये जो ट्रेड यूनियन बनती है ये कंटिन्यूस इन नेचर होती है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ट्रेड यूनियन बनी है, ये नॉर्मली वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर्स की एसोसिएशन है, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनी, वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स को प्रमोट करने के लिए बनी है। एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, जो ये ट्रेड यूनियन होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वर्कर्स की एसोसिएशन ही होती है, ये वर्कर्स प्लस एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन भी हो सकती है। ओके, तो ट्रेड यूनियन में मैनेजमेंट भी पार्ट ले सकती है। क्या होता है कि जब मैनेजमेंट के अगेंस्ट वर्कर्स को आवाज़ उठानी होती है तो वर्कर्स की ट्रेड यूनियन बन जाएगी, लेकिन जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को आवाज़ उठानी होती है तो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलकर ट्रेड यूनियन बनाएंगे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करेंगे। एम्स एट एस्टैब्लिशिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो इसका अल्टीमेटली एम क्या होता है कि इंडस्ट्री में पीस होना चाहिए, जितने भी लोग हैं, दो पार्टीज हैं बेसिकली, वर्कर्स और मैनेजमेंट, दोनों आपस में प्यार से मोहब्बत से रहने लगे। लास्ट है, इट इज़ फॉर्म्ड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्कर, तो वर्कर की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए बनाई जाती है, एंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर के हर प्रकार के इंटरेस्ट, इकोनॉमिक यानी कि उन्हें अच्छा पैसा मिलना चाहिए, पॉलिटिकल यानी कि उनको मैनेजमेंट में दे शुड बी गिवन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है जो उनके राइट्स को इफेक्ट कर रहा है तो उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, एंड सोशल इंटरेस्ट, उनका सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, उन्हें भी एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए। तो अगर आपको इस स्लाइड में कोई डाउट है तो मुझे आप बताइए, मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ। इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर आपको कोई डाउट है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस स्लाइड में किसी को डाउट है कोई, हम आगे चल सकते हैं। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में।
ट्रेड यूनियन को हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑपरेशन। कमेंट आया है प्रशांत कुमार जी का, सर रेफरेंस के लिए कोई बुक बता दीजिए प्लीज। बेटा सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी एक बुक से तो ये कवर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए अगर यूपीएससी ईपीएफ एग्जामिनेशन के लिए कुछ बुक्स बनी भी हैं जो बहुत बच्चे रेफर करते हैं, मैंने उन्हें स्टडी किया है, बट उनमें भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं दिया हुआ, उनमें मोटी मोटी बात दी हुई है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए और फैक्चुअल काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत वास्ट सिलेबस है। सिलेबस मुश्किल नहीं है लेकिन वास्ट है, तो किसी एक पर्टिकुलर बुक का बताना बहुत मुश्किल है। मैंने भी जो अपने नोट्स बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा 3 से 4 बुक्स पढ़कर उनको कंबाइन किया है, फिर मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है, तो बहुत अलग अलग सोर्सेज से मैंने नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के आधार पर हमने 3 तरह से ट्रेड यूनियन को क्लासीफाई किया है। पहला है रिफॉर्मिस्ट यूनियन, दूसरा है रेवोल्यूशनरी यूनियन, तीसरा है प्रीडेटरी यूनियंस। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न हमने क्लासीफाई किया है ऑक्यूपेशनल या फिर क्राफ्ट यूनियंस, इंडस्ट्रियल यूनियंस, ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर यूनियंस एंड जनरल यूनियंस। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑपरेशन हमने क्लासीफाई किया है प्लांट लेवल यूनियंस, इंडस्ट्री लेवल यूनियंस, रीजनल लेवल फेडरेशंस और नेशनल फेडरेशंस, ठीक है। बेटा दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के मतलब क्लासिफिकेशन में कौन सा सब टाइप नहीं आता या कौन सा सब टाइप आता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये 3 इसमें आते हैं। इनके अलावा अगर मैं ऑप्शन में दे दूँ ना कि ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर यूनियन भी क्या इसमें आता है, तो नहीं, वो नहीं आता। और दूसरी बात ये भी पता होना चाहिए, अगर मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया कि प्रीडेटरी यूनियन कौन से क्लासिफिकेशन का सब टाइप है, पर्पस वाली का, मेंबरशिप पैटर्न वाली का या लेवल ऑफ ऑपरेशन वाली का, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड से, ठीक है, रेसिप्रोकल भी आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन भी और सब टाइप का भी पता होना चाहिए कि कौन से क्लासिफिकेशन के आधार पर है। प्रशांत कुमार जी ने पूछा है आपके नोट्स सफिशिएंट है, बेटा यस हमारे नोट्स बहुत सफिशिएंट है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट वीडियो दी जाएगी आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। आगे चलते हैं, इन्हें डिटेल में समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की बात करें, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के आधार पर सबसे पहला हमारे सामने क्या है, रिफॉर्मिस्ट यूनियन, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, दीज आर द यूनियंस दैट सीक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ वर्कर्स विदाउट अटेम्प्टिंग टू अप्रूट और ड्रास्टिकली चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। भाई सीधी सी बात है, इनको आपकी सोसाइटी से, सोशल सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि वर्कर्स की जो कंडीशंस है, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन हो चाहे सोशल कंडीशंस हो, उसको चेंज किया जाना चाहिए। क्या बोला कि इनको सोसाइटी से, सोशल सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं, सोशल सिस्टम नहीं चेंज करने के लिए बात कर रहे, ये किस बारे में बात कर रहे हैं कि वर्कर्स की कंडीशंस को चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन हो चाहे सोशल कंडीशन हो, उनको चेंज किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, इंडिया में तो नहीं है ऐसी, लेकिन यूनियन एसोसिएटेड विद द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर एंड कांग्रेस फॉर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इन यूएसए, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, AFL एंड CIO, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्मिस्ट यूनियन के एग्जांपल्स हैं। हॉक्सीज बिजनेस यूनियनिज्म एंड फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म बिलोंग टू दिस कैटेगरी। आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको एक और टॉपिक कराऊंगा जो है टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। ये क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, वो होगा टाइप्स ऑफ ट्रेड, वहां आपको ये बताया जाएगा कि तो हॉक्सी का एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस यूनियनिज्म का, फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। तो ये जो इस यूनियंस में, बिजनेस यूनियनिज्म में या अपलिफ्ट यूनियनिज्म में यूनियंस आती हैं, वो भी रिफॉर्मिस्ट यूनियन का ही सब टाइप होती हैं। आई होप रिफॉर्मिस्ट यूनियन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं रेवोल्यूशनरी यूनियंस पर। रेवोल्यूशनरी यूनियंस, दीज आर द यूनियंस दैट सीक टू डिस्ट्रॉय एंड अबॉलिश द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वर्कर्स। Thus, a revolutionary union may be either anarchist union or political union. ठीक है, तो ये कौन सी यूनियन होती है जिनको सोशल सिस्टम से ही प्रॉब्लम है। ये तो कहती है कि हम पूरा सिस्टम ही चेंज करेंगे। अब जैसे आज़ादी से पहले की बात ले लीजिए, आज़ादी से पहले अगर मैं बात करूँ तो जो यूनियन लीडर्स होते थे वो कौन होते थे, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे। जो आप आज़ादी से पहले की ट्रेड यूनियंस पढ़ेंगे ना, तो उनमें आप डिटेल में जाएंगे तो जो कांग्रेस मैन थे या कम्युनिस्ट थे या सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, वही सभी मेंबर होते थे ट्रेड यूनियन के, वही लीड करते थे ट्रेड यूनियंस को। तो अल्टीमेटली क्या होता था, उनका ऑब्जेक्टिव कि वर्कर्स की कंडीशन के बारे में नहीं होता था,
पूरे की पूरी सोसाइटी के बारे में होता था कि पूरी की पूरी सोसाइटी को, सोशल सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी वर्कर्स की कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि क्या था, इंडस्ट्रीज, उनका इंडस्ट्रियलिस्ट का माइंडसेट ही ये था कि अब उस टाइम ब्रिटिशर्स से उनका तो माइंडसेट था कि ऑप्रेस किया जाना चाहिए, उनको किसी पर्टिकुलर पॉलिसी से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको पूरे सिस्टम से प्रॉब्लम थी। दस अ रेवोल्यूशनरी यूनियन मे बी एज अनार्किस्ट और पॉलिटिकल यूनियन। तो रेवोल्यूशनरी यूनियन, इनका कुछ नहीं पता, इनका अपना एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये किसी भी मीन्स पर चले जाएंगे, चाहे पॉलिटिकली काम करवाना पड़े, चाहे अनार्किस्ट होकर करवाना पड़े। पॉलिटिकली मतलब जैसे कांग्रेस वाले करवाते थे, गांधी जी करवाते थे कि पॉलिटिक्स के थ्रू करवाएंगे। अनार्किस्ट मतलब कि वायलेंस भी क्या करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें सिर्फ अपना काम करवाने से मतलब होना चाहिए। तो रेवोल्यूशनरी यूनियंस वाले क्या करते थे, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो कुछ भी मेथड को अडॉप्ट कर लेते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो अनार्किस्ट हो। आगे चलते हैं, थर्ड इज प्रीडेटरी यूनियंस। प्रीडेटरी यूनियंस दिस स्टिक टू नो पर्टिकुलर मीन्स एंड अडॉप्ट एनी मेथड टू फुलफिल देयर पर्पस। ठीक है, प्रीडेटरी यूनियन के सबसे खास बात क्या है भाई, ये कहते हैं हमें तो अपना मकसद पूरा करना है, चाहे हमें किसी भी मेथड को, क्राइटेरिया को अडॉप्ट करना पड़े। ठीक है, हमें चाहे बम फोड़ने पड़े, हमें चाहे आग लगानी पड़े, हमें चाहे पॉलिटिक्स खेलनी पड़े, हमें तो क्या करना है, अपना मकसद पूरा करना है। प्रीडेटरी यूनियन का कोई पर्टिकुलर मीन्स नहीं, इनको तो अगर कल ये धरने पर बैठ जाएंगे, परसों ये बम भी फोड़ देंगे, इनका कुछ नहीं पता। ठीक है, तो प्रीडेटरी यूनियंस के दो सब टाइप्स हैं, पहला है होल्ड अप यूनियन, दूसरा है गुरिला यूनियंस। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से मतलब समझा देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ होल्ड अप यूनियन की, होल्ड अप यूनियन क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय कंबिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, बोथ नॉट अबाइडिंग बाय एनी प्रिंसिपल्स, कंसर्न विद देयर ओन बेनिफिट विदाउट एनी कंसर्न फॉर आउटसाइडर। तो होल्ड अप यूनियन में क्या होता है, वर्कर और मैनेजमेंट, ठीक है, दोनों मिलकर थर्ड पार्टी, कौन, कंज्यूमर्स, कस्टमर, इनको लूटती है। सिंपल सी बात, ठीक है, दैट इज कम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट और वर्कर्स, ये क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं, कोई भी प्रिंसिपल, कोई असूल, कोई एथिक्स नहीं होते, इनका अल्टीमेटली एम क्या है, बेनिफिट कमाना, बेनिफिट कमा के क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को लूटते हैं। थर्ड पार्टी यानी कि आउटसाइडर, स्टेक होल्डर, कस्टमर, उनको लूट के बेनिफिट कमाते हैं। एक खास बात बताऊँ, किसी को बताना मत, ये जो आउटसाइडर का नुकसान करते हैं ना, तो इसका बेनिफिट किसको होता है, मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स को और जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स होते हैं उनको, वर्कर्स को बेनिफिट कोई नहीं होता। जो मनी जनरेट होता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं या फिर नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, इसका जो बेनिफिट होता है कौन लेकर जाता है, ये ट्रेड यूनियन के लीडर्स लेकर जाते हैं और मैनेजमेंट लेकर जाती है, वर्कर्स को कुछ भी नहीं दिया जाता, वर्कर बेचारे फिर से स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। ठीक है, अगला है गुरिल्ला यूनियंस, दे वर्क अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स अंडर कंट्रोल बाय अ बॉस, दे यूज वायलेंस एंड अदर सीक्रेट मेथड्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या होता है, गुरिल्ला यूनियंस में एम्प्लॉयर्स की, वर्कर्स की यूनियन होती है और ये किसी एक आदमी के द्वारा कंट्रोल होती है। अब ये बॉस जो मैंने लिखा है ना, ये बॉस टर्मिनोलॉजी गुरिल्ला यूनियंस में नॉर्मली यूज होती है, क्या होता है, कोई पॉलिटिकल लीडर अपना एजेंडा क्लियर करने के लिए, ठीक है, अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए क्या करता है, वर्कर्स को भड़काता है ताकि वो एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट दावा बोले, एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक्स करें, लॉकआउट्स करें। ठीक है, अल्टीमेटली ये वायलेंस कर क्रिएट करते हैं, कुछ भी मेथड अचीव करेंगे, चाहे किसी को मैनिपुलेट करना हो, पिकेटिंग करनी हो, स्ट्राइक्स करनी हो, लॉकआउट करना हो, टेररिज्म फैलाना हो, कुछ भी करें, लेकिन वो क्या करेंगे, अपना मेथड पूरा करेंगे। और इनका एजेंडा कुछ क्लियर कट एजेंडा भी नहीं होता, अल्टीमेटली कोई और इंसान है जो वर्कर्स को मैनिपुलेट करता है ताकि बेनिफिट उठाया जा सके। ठीक है, तो इस स्लाइड पे अब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस मैंने तीनों समझा दिया आपको। द फॉर्मिस्ट क्या था, कि सिस्टम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करना है, सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं जिन्हें हम। रेवोल्यूशनरी यूनियन, पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा भाई। एग्जांपल में क्या था, आज़ादी से पहले जो यूनियंस थी नॉर्मली वो रेवोल्यूशनरी यूनियंस थी। और प्रेडेटरी यूनियंस, कोई मेथडोलॉजी नहीं है, काम निकलवाना है जैसे मर्जी निकलवाएं। होल्ड अप यूनियन बताया था मैंने आपको, होल्ड अप यूनियन में क्या होता है, वर्कर्स और मतलब वर्कर्स भी नहीं, ट्रेड यूनियन के लीडर्स और मैनेजमेंट मिलकर थर्ड पार्टी यानी कि कस्टमर्स को चीट करते हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल बेनिफिट्स गेन करते हैं और वो जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो नॉर्मल लेबर होती है उसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। गुरिल्ला यूनियंस, अल्टीमेटली कोई एक इंसान कंट्रोल करता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है ताकि वो एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक करें, वॉयलेंस करें, कुछ भी मेथड करें, लेकिन काम रुक जाता है जिससे, और अल्टीमेटली जो इस बॉस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये फुलफिल हो जाते हैं।
इस पर्टिकुलर स्लाइड में किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ इस स्लाइड के बाद, मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो मुझे प्लीज बताइए। प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कुछ अगर समझ नहीं आया इस पर्टिकुलर स्लाइड में तो मुझे जल्दी से बताइए, कोई आपका डाउट है स्लाइड से, नहीं तो मैं आगे चलने लग जाऊंगा। क्या हम आगे बढ़ें? स्टूडेंट्स क्या हम आगे बढ़ें? आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई कमेंट नहीं आए, हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न, तो मेंबरशिप पैटर्न के आधार पर हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया था, हमने बेसिकली 4 टाइप से क्लासिफाई किया था, चारों को देखते हैं। पहला है ऑक्यूपेशनल या क्राफ्ट यूनियंस। ओके, तो ऑक्यूपेशनल या क्राफ्ट यूनियन की बात करें, मेंबर्स फ्रॉम द सेम क्राफ्ट और ट्रेड, ठीक है। यस, जैसे मैं आपको बात करता हूँ, आप कॉबलर ले लीजिए, ब्लैक स्मिथ ले लीजिए, गोल्ड स्मिथ ले लीजिए, सुनार होते हैं, सुनारों की अपनी यूनियन होती है, जो मोची होते हैं मोची की अपनी यूनियन होती है, ब्लैकस्मिथ होते हैं जो लोहे का काम करते हैं उनकी अपनी यूनियन होती है, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर क्राफ्ट को एक ही ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते हैं, तो उनकी यूनियन को हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल या फिर क्राफ्ट यूनियन, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पायलट्स की अपनी एसोसिएशन होती है, तो उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर काम को लेकर जितने भी पायलट्स होंगे सबका काम सेम है, तो उन्होंने अपने आप एक ऑक्यूपेशनल वाइज एक ट्रेड यूनियन बना ली, ठीक है। अगली हम बात करें तो वो है इंडस्ट्रियल यूनियन। तो एक ही सिमिलर इंडस्ट्री को जो लोग बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हों। अब अगर मैं बात करूं, जिस एरिया में मैं रहता हूं, वहां पर रेलवे की एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है, तो वो पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है। उस इंडस्ट्री में लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई वहां पे सैनिटेशन डिपार्टमेंट में है, कोई वहां पे पेंट डिपार्टमेंट में है, कोई वहां पे स्टिचिंग करता है, कोई वैगन का काम करता है, तो ये सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, अलग अलग स्किल सेट से भी हैं, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई स्किल्ड है, कोई अनस्किल्ड है, लेकिन क्योंकि वो एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, सिमिलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनकी जो यूनियन होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल यूनियंस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टील इम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन, तो स्टील इम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन में जितने भी लोग स्टील से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन वो स्टील का काम कर रहे होंगे, स्टील से रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे स्टील के, या फिर वो किसी भी प्रकार के स्टील से एंगेज होंगे, तो वो स्टील एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन का पार्ट बन जाएंगे। अगला है जनरल यूनियंस। तो जनरल यूनियंस आर फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट्स और क्राफ्ट्स। ओके, जमशेदपुर लेबर यूनियन एंड द नेशनल यूनियन ऑफ म्युनिसिपल एंड जनरल वर्कर्स आर एग्जांपल ऑफ जनरल यूनियंस इन इंडिया। तो जो जनरल यूनियंस है, ये बेटा जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट इंडस्ट्री से हो, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल से हो, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट से हो, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से हो, बस क्या होना चाहिए, वो एम्प्लॉयड होने चाहिए, वो वर्कर्स होने चाहिए। तो सभी वर्कर्स मिलकर जो यूनियन बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, जनरल यूनियंस। ओके, तो अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, वो तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, सबके लिए रूल्स बनाती हैं। तो अगर रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन सभी प्रकार के जो वर्कर्स हैं वो उस रूल्स के अगेंस्ट हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल यूनियन या इंडस्ट्रियल यूनियन के लिए नहीं कहेंगे, वो जनरल यूनियन में जाएंगे, और जनरल यूनियन क्या करेगी, वो जो रूल्स बनाए गए हैं उसको अपोज करेंगे। तो जनरल यूनियन किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट या किसी इंडस्ट्री या किसी जॉब से रिलेटेड नहीं होती, वो क्या होती है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, बस इम्प्लॉय होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए, लेबर क्लास को बिलोंग करता होना चाहिए, वो जनरल यूनियन को ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम्पल दिए हैं जमशेदपुर लेबर यूनियन। तो जमशेदपुर एरिया में जितने भी लेबर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम कर रही हो, चाहे वो स्टील में एंगेज हो, चाहे वो प्लाईवुड में हो, चाहे वो कोल फैक्ट्रीज में हो, कोई भी काम कर रही हो, वो जनरल यूनियन का पार्ट बन जाएंगी। और द नेशनल यूनियन ऑफ म्युनिसिपल एंड जनरल वर्कर्स, तो जो आपकी नेशनल यूनियन ऑफ म्युनिसिपल एंड जनरल वर्कर्स है, चाहे जो वर्कर्स है वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में हो, इरिगेशन में हो, वाटर डिपार्टमेंट में हो, फूड डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर वो म्युनिसिपल या जनरल वर्कर्स में आते हैं, तो फिर वो इस यूनियन का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है।
तो ये तीन यूनियन आपको समझ आई होगी, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। ठीक है, मैं आपको इसकी चौथी यूनियन बताता हूँ मेंबरशिप पैटर्न के बेस पर। चौथी यूनियन जो हमारे सामने है वो है ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर मैनेजेरियल यूनियंस। ओके, तो ब्लू कॉलर यूनियन, अब आप इमेजिन कीजिए कि जब मैं बात करता हूँ लेबर क्लास की, तो फैक्ट्रीज में आपको दिखता होगा यार लेबर क्लास ब्लू कलर की यूनिफॉर्म, ब्लू शर्ट, ब्लू पैंट पहन के हाथ में टिफिन उठा के काम पे जा रही है। तो जो वो लेबर क्लास क्या होती है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज होती है, जो शॉप फ्लोर पे काम करेगी, जो ऑपरेशनल लेवल पे काम करेगी। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली ऑपरेटिव लेवल पे काम करते हैं, प्रोडक्शन पे काम करते हैं, मेंटेनेंस शॉप पे काम करते हैं, और उनको जो पैसे मिलते हैं वो नॉर्मली पीस रेट या टाइम रेट के हिसाब से होते हैं। मतलब उनको दिहाड़ी मिलती है, मतलब जितना प्रोड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सामान मिलेगा, सॉरी पैसा मिलेगा, या फिर जितने आप नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि या तो उनको पीस रेट के हिसाब से पैसा मिलता है या टाइम रेट के हिसाब से पैसा मिलता है। तो ऐसे वर्कर्स की जो यूनियन है, ऐसे हम क्या कहेंगे, ब्लू कॉलर यूनियन। क्योंकि जो नॉर्मल डाउन लेवल ऑपरेटिव लेवल वर्कर्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म क्या होती है, ब्लू कलर की, तो उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। और उनके यूनियंस को भी क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर यूनियंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की। तो जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज है, अब आप देखिए जो सूट बूट पहनकर, ठीक है, टाई लगाकर, व्हाइट शर्ट ब्लैक कोट पहनकर जो जाएंगे, वो कहाँ काम करेंगे, वो क्या फैक्ट्री के अंदर जाके मशीनरी पर डायरेक्टली काम करेंगे? नहीं, वो तो ऑफिस में बैठकर काम करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है, वो सीनियर लेवल के काम देखेंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं, बेसिकली उनको सैलरी मिलती है, वो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम नहीं करते। तो ऐसे एम्प्लॉयज को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज। इनकी यूनियन को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर यूनियंस। अब ये जो एम्प्लॉयज है, ये थोड़े ऑफिसर लेवल के होते हैं, ठीक है, इनको हम वर्कर भी नहीं कहते, इनको हम ऑफिसर कहते हैं। तो इनके यूनियंस को थोड़ा सा स्पेशल नाम दिया गया है ताकि इनको भी थोड़ी इज्जत फील हो। तो क्या नाम दिया गया है इनके यूनियन को, या तो इनको हम एसोसिएशन कहते हैं, या फिर गिल्ड कहते हैं, या फिर ऑफिसर एसोसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, ठीक है, तो जितने भी बैंक में काम करने वाले, बैंक में जो लोग काम करते हैं, आपने देखा है प्रॉपर फॉर्मल्स पहन कर जाते हैं, ठीक है, चाहे वो लोग जो है वो क्लरिकल लेवल पे काम करते हो, चाहे वो सीनियर ब्रांच मैनेजर के लेवल पे काम करते हो, ठीक है, दोनों ही लोग, दोनों को हम ऑफिसर कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो क्योंकि उनका जो काम है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन या मेंटेनेंस शॉप से रिलेटेड नहीं है, उनको फिक्स मंथली सैलरी मिलती है, उनको टाइम रेट या पीस रेट के हिसाब से वेजेस नहीं मिलती। उसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिसर एसोसिएशन, तो जो वर्कर्स आपने देखे होंगे, जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, वो भी आपने देखा होगा नॉर्मली फॉर्मल्स में आपको दिखाई देंगे, तो उनकी जो यूनियन होती है वो भी वाइट कॉलर यूनियन कहलाती है। अब मुझे आप बताइए कि आपको मेंबरशिप पैटर्न के बेस पर कोई डाउट है या नहीं। मेंबरशिप पैटर्न के बेस पर हमने चार तरह की यूनियन देखी, ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल, जनरल, और चौथी कौन सी थी, ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर यूनियंस। वाइट कॉलर यूनियन का मैनेजेरियल यूनियन भी कहा जाता है। किसी को इनमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए जल्दी से। स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि किसी को कोई डाउट है या नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं, आगे चलें। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ यूनियन की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑपरेशन, कि किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है प्लांट लेवल यूनियन, यानी कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के जो लोग हैं उनके यूनियन को हम क्या कहेंगे, प्लांट लेवल यूनियन, सिंपल सी बात। दूसरा हमारे सामने इंडस्ट्री लेवल यूनियन, पूरी इंडस्ट्री, मतलब अगर यमुनानगर में मैं रहता हूँ इसलिए मैं उसका कोटेशन दे रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली में अगर मान लीजिए कोई एक स्टील की फैक्ट्री है, तो स्टील का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल उस प्लांट के वर्कर्स की, एंटरप्राइज के वर्कर्स की यूनियन होगी, उसे प्लांट लेवल यूनियन कहेंगे। लेकिन पूरे रीजन में जितनी भी स्टील की फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी स्टील की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ के जो वर्कर्स होंगे, कि अब तुम किसी पर्टिकुलर स्टील फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम पूरे स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने बात की थी स्टील एम्प्लॉय या स्टील वर्कर्स यूनियन, तो वो पूरी इंडस्ट्री वाइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, जो सेम काम करते हैं, जो सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री की बात की जा रही है, उनकी यूनियन को क्या कहा जाएगा, इंडस्ट्री लेवल यूनियन। ठीक है,
जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में एंगेज हैं, चाहे वो पीलिंग का काम करते हैं, चाहे वो प्लाईवुड से कुछ बनाने का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो उन्हें हम इंडस्ट्री लेवल यूनियन में काउंट कर लेंगे, ठीक है। अगला है रीजनल लेवल फेडरेशन। रीजनल लेवल फेडरेशन बेसिकली पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से होती हैं। तो जितनी भी, अब जैसे ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी तो यूनियन हो सकती है। अब दिल्ली में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब के वर्कर्स की जो यूनियन होगी उसे हम क्या कहेंगे? रीजनल लेवल फेडरेशन। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे तेलुगु देशम इन आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली मैं आपको एक बात भी बताता हूँ कि जितनी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कि शिवसेना है मुंबई में, और आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में बहुत सी रीजनल पार्टीज हैं, AIDMK आई गेस, ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो उनकी जो ट्रेड यूनियंस में एफिलिएशंस होती हैं, उनकी जो ट्रेड यूनियन में एफिलिएशन होती है वो सारी रीजनल लेवल ट्रेड यूनियंस होती हैं, ठीक है। तो ये जो रीजनल फेडरेशन होती हैं बेसिकली स्टेट लेवल पर होती हैं। इसके अलावा है नेशनल फेडरेशन। तो नेशनल फेडरेशन कौन सी होंगी? जो नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगी, और जो लोकल लेवल की जो यूनियंस होती हैं, प्लांट लेवल की चाहे इंडस्ट्री लेवल की यूनियंस होती हैं, वो नेशनल लेवल के यूनियन से एफिलिएटेड होती हैं। तो कुछ हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे भी सही सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे यूनियन के बारे में पढ़ेंगे जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा। तो ऐसी कुछ यूनियंस हैं जो सेंट्रल लेवल पर रिकॉग्नाइज है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेशनल फेडरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है द खेत मजदूर यूनियन ऑफ AITUC। तो AITUC मैंने आपको बताया, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका एक विंग है, दैट इज द खेत मजदूर यूनियन। तो ये एक नेशनल लेवल फेडरेशन है। उसके अलावा भारतीय खेत मजदूर यूनियन, ये भी एक नेशनल लेवल फेडरेशन है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑपरेशन भी आपको आगे समझ आ गया होगा, इसमें भी आगे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। प्रशांत जी कह रहे हैं कि आपको क्लियर है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बच्चों ध्यान रखो, मैं इसके बाद कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन कराने के बाद आपके डाउट्स भी लूंगा कि आपके इंडस्ट्री रिलेशन में नॉर्मली क्या डाउट आपको फेस कर रहे हो, आपको क्या डर लग रहा है, तो मुझे जल्दी से बताइएगा, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखिए, मैं देख रहा हूँ कि चैट में लोग कम हो रहे हैं। क्यों बच्चों? आपको चैट में कम मत होइए, आप प्लीज एक्टिवली पढ़िए, ठीक है, और एक्टिवली रिप्लाई भी कीजिए। कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन आप सबके लिए, मुझे जल्दी से सबके रिप्लाई चाहिए इस पर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न? ऑक्यूपेशनल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन या फिर रेवोल्यूशनरी यूनियन। तो जो चार यूनियन मैंने बताई है, इनमें से कौन सी मेंबरशिप पैटर्न वाली नहीं है? ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल, जनरल या रेवोल्यूशनरी? मैं आप सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। आप जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न? ऑक्यूपेशनल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन या फिर रेवोल्यूशनरी यूनियन? प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं डी, ठीक है प्रशांत कुमार जी, आपका आंसर हमने देख लिया। बाकी बच्चे, आकांक्षा आप भी आंसर कीजिए, निरंजन आप भी आंसर कीजिए, राजू प्रसाद आप भी जल्दी से आंसर कीजिए, सुजीत, नेशन फर्स्ट, महेश जल्दी से आंसर कीजिए आप भी। रहीमन कह रहे हैं डी, ओके रहीमन आपकी बात भी हमने देख ली, जल्दी से मुझे जल्दी से आंसर दीजिए। जो जो बच्चे चैट देख रहे हैं जल्दी से आंसर कीजिए प्लीज। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं डी, ठीक है मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर डी है, आप बहुत सही हैं। रेवोल्यूशनरी यूनियन मेंबरशिप पैटर्न के हिसाब से तो नहीं है। अब मुझे बताइए कि रेवोल्यूशनरी यूनियन जो है वो किस टाइप की क्लासिफिकेशन में आती है, जल्दी से मुझे बताइए। ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल और जनरल, ये तीनों तो मेंबरशिप पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होती हैं। जो रेवोल्यूशनरी यूनियन है ये कौन से टाइप ऑफ यूनियन का सब टाइप है, जल्दी से बताइए मुझे। मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइए कि रेवोल्यूशनरी यूनियन कौन से टाइप ऑफ यूनियन का क्लासिफिकेशन है? पर्पस, लेवल ऑफ ऑपरेशन, इन दोनों में से कौन सा सब टाइप है, जल्दी से बताइए। प्रशांत जी, रहीमन जी, राजू जी, जल्दी से बताइए मुझे। मैंने अभी बताया है आपको
रेवोल्यूशनरी यूनियन कौन से टाइप का सब क्लासिफिकेशन है, जल्दी से बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ, आपके आंसर नहीं आए मुझे अभी तक, चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। रेवोल्यूशनरी यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से क्लासिफाइड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से हमने तीन देखी थी, रेवोल्यूशनरी, रिफॉर्मिस्ट और प्रेडेटरी यूनियंस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर लेबर यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश यूनियन, ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल, जनरल या रेवोल्यूशनरी। तो जमशेदपुर लेबर यूनियन जो थी वो किसका एग्जाम्पल है? मिघेश जी आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड। जमशेदपुर लेबर यूनियन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, जल्दी से मुझे बताइए, ऑक्यूपेशनल का, इंडस्ट्रियल का, जनरल का या रेवोल्यूशनरी का। जल्दी से बच्चों बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। जमशेदपुर लेबर यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश यूनियन, ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल, जनरल या फिर रेवोल्यूशनरी। अच्छा, प्रशांत जी कह रहे हैं बी। प्रशांत जी आप फर्स्ट आ रहे हैं मुझे लग रहा है, बाकी बच्चे तो नहीं आंसर कर रहे हैं जल्दी। मेघेश जी कह रहे हैं ए, ऑक्यूपेशनल। ओके, बेटा मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में करवाया भी है, ये आप भूल गए लगता है। जल्दी से एक और आंसर आ जाए फिर मैं आपको आंसर रिवील करता हूँ इस क्वेश्चन का, मुझे आंसर की वेट है, जल्दी से आंसर कीजिए। रहीमन जी आप आंसर कीजिए इसका। ओके, इसका आंसर नहीं आया मुझे, मैं इसका आंसर खुद दे देता हूँ, इसका आंसर है सी। तो जो जमशेदपुर लेबर यूनियन है वो जनरल यूनियन का एग्जांपल है। अमन कुमार जी ने आंसर दिया था डी, तो तीन आंसर आए और तीनों ही गलत आंसर आए, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है जनरल यूनियन। ओके, बताया भी था मैंने आपको, एग्जाम्पल दिया तो है कि जमशेदपुर लेबर यूनियन जनरल यूनियन का सब टाइप है, सही एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए, द मैनेजर्स एंड अपर क्लास वर्कर्स बिलोंग टू, द मैनेजर्स एंड अपर क्लास वर्कर्स बिलोंग टू। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन करने से पहले साथ के साथ आप लोग मुझे लिख कर चैट में लिख कर भेजिए कि अगर आपके कोई नॉर्मल डाउट्स है या नहीं, तब तक मैं वो डाउट्स पढ़ लूँगा जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप मुझे अपने डाउट्स भी लिख कर भेजिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर आपको क्या डर लग रहा है, आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, आपको सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर, कुछ भी क्वेरीज हैं मुझे जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं, द मैनेजर्स एंड अपर क्लास वर्कर्स बिलोंग टू डैश। तो मैनेजर्स अपर क्लास वर्कर्स क्या होते हैं? ब्लू कॉलर यूनियन में आते हैं, वाइट कॉलर यूनियन में आते हैं, रेड कॉलर यूनियन में आते हैं या फिर ब्लैक कॉलर यूनियन में आते हैं? कौन से यूनियन में आते हैं वो, जल्दी से आंसर दीजिए और अपने डाउट्स भी साथ साथ लिखते रहिए। ये लास्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपका डाउट्स ही लूंगा। प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं व्हाइट कॉलर, अच्छा रहीमन जी कह रहे हैं बी, अमन जी कह रहे हैं बी। ठीक है जी, प्रशांत जी आप, प्रशांत जी का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर है व्हाइट कॉलर यूनियन, रेड कॉलर, ब्लैक कॉलर यूनियन तो होती ही नहीं। ब्लू कॉलर किसकी यूनियन होती है? जो मैनुअल काम करते हैं, ऑपरेशन लेवल पे काम करते हैं, शॉप फ्लोर पे काम करते हैं, जिनको वेजेस मिलती है। व्हाइट कॉलर यूनियन किसकी होती है? मैनेजर की और अपर क्लास वर्कर्स की, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले, जाने से पहले, मैं आपकी क्वेरी लेना चाहता हूँ। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको सारी की सारी क्वेरीज अभी ही आंसर कर दूंगा।
सर कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है बेटा, आप कोर्स परचेज कर सकते हो हमारा। मैं तो आपको बेस्ट एडवाइस यही दूंगा, आपको वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, अकाउंटिंग की और सोशल सिक्योरिटी की आपको डिटेल वीडियोज भी मिलेंगी, PDF मिलेंगे, उसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट के हैंडआउट्स मिलेंगे। कोर्स की डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है आप में से किसी का? जल्दी से मुझे बताइए सर, नेक्स्ट क्लास कब होगी? बेटा हर हफ्ते क्लास होगी आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, हर सैटरडे को 5 बजे हम यही मिलेंगे। व्हेन विल बी द नेक्स्ट क्लास बता दिया बच्चे मैंने आपको, हर हफ्ते सैटरडे को 5 बजे हम आपको मिलेंगे। बेटा ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम हर हफ्ते आपको मिलेंगे। मोर क्लास ऑफ यू, बेटा मिलेगी आपको क्लास, बहुत मिलेंगी। आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो भी आपको मिलेंगे, आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिटेल क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा। अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो वहाँ आप बेटर समझ भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हफ्ते में एक बार मिलूँगा लेकिन वहाँ मैं आपको डेली मिलूँगा। और किसी का कोई डाउट है? वैभव, प्रशांत, अमन, रहीमन, किसी का कोई और डाउट है? क्या हम लाइव चैट लाइव सेशन ख़त्म कर दें? सर प्लीज़ कवर द करंट अफेयर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके बेटा, पहले मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन करवा दूं, लेबर लॉ करवा दूं, उसके बाद मैं करंट अफेयर पे जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है उसकी तो रेगुलर वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल ही रही हैं, सोशल सिक्योरिटी की भी यूट्यूब वीडियोस चल रही हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बेटा ज़्यादा करंट अफेयर होता भी नहीं है, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको बताऊं तो स्टैटिक क्वेश्चन में से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो आप इतना मतलब स्ट्रेस मत लीजिए, ऑफिशियल साइट से जान सकते हैं। वैभव में कुछ मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मेघेश, आपने कोर्स परचेज किया है, वेरी गुड। वैभव साहू, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? किसी बच्चे का और कोई डाउट है या मैं लाइव सेशन अभी क्लोज कर दूं? अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है, आई होप आप सबके डाउट्स रिजॉल्व हो गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा और अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।